हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं लेके आया हूँ माँ काली के मैसेज। आज का एनर्जी कुछ अलग है ओके, क्योंकि सुबह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट ऑफ इम्बैलेंसमेंट। क्या आप कुछ चीज़ को सुबह से एडजस्ट कर रहे हो? क्या आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? सो आज का टॉपिक है कि हाउ यू कैन फिक्स योर माइंड। आप कैसे अपने माइंड को फिक्स कर सकते हो, माँ के गाइडेंस क्या आ रहा है ओके। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप माँ के बेटे हो, संतान हो और आप माँ के बेटी हो। सो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, इंट्यूटिवली देख सकते हो। जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ और ना ही मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब चीज़ में बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। सो प्लीज़ कैमरे से बचिएगा एंड विश्वास कीजिएगा कि माँ एवरी टाइम आपके साथ है। सो लेट्स सी माँ क्या कह रहे हैं आपके माइंड को शांत करने के लिए। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मतमकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिन चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदाचिन्न सीरभर्गो बामर्दुकर्णं भुजं उभयवर्धन चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं सर्वं तथा जीवदिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलद रुधिरचर्चितं कर्णावतं सतती नतशवजिगुमायनकं करदष्टं करलक्षं प्रेणतिपादनं सवनं करसङ्गाति कृतकचस्मुखीं शुक्रदायकरुणतारा विश्वरितं नमो गुरुबैंगवर्धन सुलभवासिनं बालकमण्डलाकरलोचनं त्रिमृतं दत्तरं दक्षिणव्यापिलोमनकचर्यं स्वरूपमहाद्वैतपरिसंस्थां शिवाभिगुरुराव आपको बोल रहे कि जो भी चीज हो रहा है ना, यू नो, ये आपके हाथ में नहीं है। कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड के काल चक्र के अंदर आप भी कोई नहीं हो, मैं भी कोई नहीं हूँ। सो जो चीज़ को आप फिक्स करना चाहते हो, शायद वो चीज़ फिक्स होने के लिए नहीं है। सो कहीं ना कहीं माँ देख पा रहे हैं कि यू आर ऑल टुगेदर फोर्सिंग योर सोल टू बैटल अगेंस्ट ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग डज नॉट हैव दैट पावर और दैट पर्टिकुलर थिंग डज नॉट हैव दैट सोल वैल्यू। सो कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि उस चीज़ के बिना आपका नहीं चलेगा। कुछ कंडीशन ऐसे है माइंड के कि आपको लग रहा है कि आप, यू नो, आप अटक गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या फिर वो है इसीलिए आप हो। कोई भी चीज़, ये अटैचमेंट हो सकता है, ये सिचुएशंस हो सकता है, जॉब हो सकता है, वेल इसीलिए तो माँ काली आपको बुलाया है। वाई यू आर अटैच्ड विद काली? बिकॉज यू आर स्टक इन अ रॉन्ग पैटर्न। काली के डिवोटीज जानते हैं कि कैसे कट ऑफ करना चाहिए एंड कैसे जुड़ना चाहिए। सो कोई भी जॉब, कोई भी रिलेशनशिप्स, कोई भी टेंजिबल थिंग्स बड़ा नहीं है माँ से। सो इस टाइम पे माँ रिमाइंड कर रहे हैं कि ये जो आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे हो, खुद को फोर्स कर रहे हो, लड़ रहे हो, यू नो, जीतने की कोशिश कर रहे हो, माइंड को फिक्स करने के लिए कोशिश कर रहे हो, क्या होगा करके, रैदर जो चीज़ हो गया है, जो पास्ट बीत गया है, उसके बारे में सोच के आप अपना दिन को बर्बाद मत करो। हमेशा अगर आप यही सोचोगे कि कुछ ख़राब हो जाएगा, ये तो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं बोलना चाहिए, तो क्या कर रहे हो आप ना एक हवा के साथ लड़ रहे हो, लड़ते लड़ते अपना एनर्जी को गवा रहे हो और कहीं ना कहीं आप वेस्ट कर रहे हो अपने समय को। तो प्लीज़ अपने समय को वेस्ट मत कीजिए कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजी यू आर मेकिंग, प्लीज़ डोंट मेक स्ट्रैटेजीज राइट नाउ। काम करना होगा आपको, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लीकेजेस हो रहे हैं और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यू आर अटैच्ड With all those outside matters, इतना ज़्यादा बाहर का सोच क्यों है? नित्या काली माँ कौन कौन है? आप तो शायद आप लोग का सभी को पता है कि कौन कौन नित्या काली माँ है। माँ काली खुल्ला, कुरुकुल्ला, विरोधिनी, विप्रचित्ता,
उग्रमाता, उग्रप्रभा, घना, दीपा, बलाका, मात्रा, मुद्रा, मीता, एंड ये जो सारे काली नित्याज है, ये आपको सिखा रहे हैं कि प्लीज डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री. यू नो, आप खुद बाउंड्री को क्रिएट कर रहे हो. माँ आपको बुला रहे हैं कि अंदर आ जाओ. जस्ट लाइक आप खेल रहे हो बाहर, 6 बज गया है, शाम को आपको घर आना है. माँ आपको बुला रहे और आप क्या बोल रहे हो, नहीं मेरे को और खेलना है. सो प्लीज स्टॉप प्लेइंग विथ योर माइंड. कहीं ना कहीं माँ आपको सेम चीज़ बोल रहे जो आज आप सुबह से कर रहे हो. ये क्या किए आप, सिंपली हो सकता है कल कोई सपना देखे हो सकता है कुछ अजीब किस्म के कहानी सोच रहे हो, मन ही मन नेगेटिव सिचुएशंस को और नेगेटिव तरीके से सोच रहे हो. सो बेसिकली यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम्स. और बहुत कुछ कर सकते थे आप. कहीं ना कहीं आज मैंने क्या बोला कि सुबह उठ के ही मेरे को ये फील हुआ, प्रेशर फील हुआ. शायद आपको भी हुआ होगा. सो ये प्रेशर क्यों फील होता है, क्योंकि नेचर, मून, सन, ये सब के एनर्जी अलग अलग लेवल पे हमारे साथ कनेक्टेड है. हमारे अंदर भी वाटर है, हमारे अंदर में भी एयर है, हमारे अंदर में भी वो सारे इंद्रिय है और उनसे ये एनर्जी कनेक्टेड है. सो काली नित्य आपको क्या बोल रहे हैं कि मन बाहर की तरफ है, उतना ज़्यादा बाहर की तरफ मत जाओ. काइंड ऑफ मेडिटेट, जितना आंखें बंद करोगे, जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव वे में खुद को लेके जाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए मंगल होगा. लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके प्रेजेंट को लेके. प्रेजेंट में क्या करना चाहिए आपको. यप, सोरशीमा मतलब काली नित्या का जो ये आउटसाइड के ट्रॉमा है, इनसे इन सभी चीज़ों को कट ऑफ करके अब अपने अंदर आइए. यू रियली नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ. कहीं ना कहीं सोरशी माँ एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो बाहर के लोग जजमेंट्स क्रिएट करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, कोई ये बन रहा है, कोई वो बन रहा है, ये जो एडवर्टाइजिंग है, ये एडवर्टाइजिंग को छोड़ो. क्योंकि आपके अंदर जो हुनर है, शायद कभी आप उस हुनर को एक्सेप्ट ही नहीं किए हो. तो आज का आपके मैसेज है कि आप जितना भी छोटे क्यों ना हो, बड़े सपने आप देख सकते हो. तो कहाँ गया आपका सपना, क्यों आप सोच नहीं सकते हो, क्यों आपका माइंड डाइवर्टेड हो जा रहे, क्यों आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्यों आपको लगता है कि शायद मेरे लाइफ में वो है इसीलिए मेरा कोई चिंता नहीं है. ओ माय गॉड, मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरे लाइफ में है. मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ में है. मैं बहुत लकी हूँ मेरे दोस्त मेरे लाइफ में है. बिल्कुल नहीं. आप लकी हो क्योंकि आप माँ के साथ कनेक्टेड हो. आप लकी हो क्योंकि आपके पास हुनर है. चाहे आपके पास कुछ भी पैसा अभी नहीं है, बट आपका साहस, आपके डिटर्मिनेशंस, आपके कंट्रोल, आपके जो कॉन्फिडेंस, ये आपको और भी बेहतर तरीके का पर्सन बनाएंगे एंड आपको बेहतर सिचुएशंस पे लेके जाएंगे. सो आपको अपना इंडिविजुअल अप्रोच लेके चलनी है. वेल, स्वाभिमान बोल के एक चीज़ है. अगर रिजेक्टेड फील किए हो, या फिर हो सकता है कि कोई चीज़ पे हार गए हो आप, अभी भी लेट नहीं हुआ है. कहीं ना कहीं सोरशी माँ का अप्रोच है कि आप जब अपने फॉर्म में आते हो ना, तो लोगों का होश उड़ जाता है. सो माँ आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ वापस आओ, अपने फॉर्म में वापस आओ. चाहे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या करेंगे, क्या होगा, अगर कुछ हो गया तो, कुछ नहीं होगा. इसीलिए आज आप इस पथ पे हो. आपको किसी के ऊपर डिपेंड करना नहीं है, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके बॉयफ्रेंड, ना आपके गर्लफ्रेंड, ना आपके कोई जॉब. क्योंकि ये सब जो चीज़ है, ये आपको कुछ हद तक रिलीफ दे सकते हैं. आपको अगर मेंटल रिलीफ चाहिए, तो आपके साथ माँ का कनेक्शन को एक्सप्लोर करनी है. तो सोरशी माँ क्या बोल रहे हैं, यू आर गुड इनाफ, यू आर गुड इनाफ, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन ड्रीम एनीथिंग, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग. बट राइट नाउ कहाँ गए हो आप, वेयर आर यू, यू आर नो वे नियर टू योर ड्रीम, यू आर नो वे नियर टू योर सोलर प्लेक्सेस, यू आर नो वे नियर टू योर कॉन्फिडेंस. कुछ अजीब किस्म के पर्सन बन के बैठे हो आप, डर रहे हो आप. लिटरली ये वीडियो जब आप देख रहे हो, यू आर अंडर कॉन्फिडेंस. वो जोश नहीं दिख रहा है.
सूर्यशीमा आपको पुश कर रही है कि कुछ नहीं हुआ, जो भी चीज़ हो रहा है वो आपका डर है, आपका एंजाइटी है। बट बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है, जो आप डिस्कवर करोगे आप खुद के बारे में बहुत कुछ जानोगे। सो कहीं ना कहीं बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, और अभी अगर आप सब कुछ छोड़ के मुँह मोड़ के बैठ जाओगे, गिव अप कर दोगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो क्या होगा? तो आप जिस कर्म के लिए इस दुनिया में आए हो, इस धरती पे आए हो, वो आप मिस करेंगे। सो कहीं ना कहीं अगर आप खुद के सोल वैल्यू को डिक्लाइन कर रहे हो, डिनाइल मोड पे जा रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि वो मेरे को नहीं मिला मतलब मेरा लाइफ ख़त्म है, वो मेरे लाइफ में नहीं आए तो मेरा मतलब लाइफ ख़त्म है, अगर मैं ये अचीव नहीं कर पाया मतलब लाइफ ख़त्म है, कुछ नहीं है, ये सारे एक मेटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स है। क्या फ़र्क पड़ता है आपको क्या मिले या ना मिले? फ़र्क तब पड़ेगा जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, जब आप खुद के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हो कि हाँ मैं वो काम किया क्योंकि मैं मजबूर था, वो सिचुएशंस बहुत टफ था, और तब जाके आपके अंदर कंपैशन ग्रो करते, तब जाके आप हेट नहीं करते हो खुद को, तब जाके आप खुद को बहुत अच्छे से समझते हो। किसी किसी के लिए टॉक्सिक पेरेंटहुड ऐसे है ना कि आपको ख़राब सोचने में आपके खुद के पेरेंट्स मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को इस बात पे रोकेंगे, बट बहुत सारे मैं बात किया हूँ जिसके माता पिता अपना फ्रस्ट्रेशंस अपने बच्चों के ऊपर निकालते हैं, कई कबार तो इतना ज़्यादा मारते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। कई कबार मैं देखा हूँ कि ये लोग अक्सर अपने जब ये लोग बड़े होते हैं तो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग देख के ही बड़े हुए हैं कि इसके मम्मा पापा के बीच में हमेशा एक ट्रस्ट इश्यूज, झमेला या फिर कुछ सेपरेशंस, ये देख के ये लोग बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी माँ नोटिस करे कि हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक पेरेंटहुड का शिकार हो, जहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स से एक मोटिवेशन चाहिए, वहाँ से आपको क्रिटिसिज्म मिलता है। जो जो सोर्स को आप ट्रस्ट किए हो वो सोर्स मुँह मोड़ लिए हैं, वो सोर्स आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। सो क्या फ़ायदा? अब अगर इस टाइम पर कोई आपको बोलेंगे पता है मैं ना आपके बारे में ये गॉसिप सुनाऊँ, तो आप क्या बोलेंगे? सुने हो, ठीक है, और कुछ ऐड कर दीजिए उस गॉसिप में। जो गॉसिप सुने हो वो सारी सब सही है। अब तब जाके जो गॉसिपर्स है उन लोगों को लगेगा अरे बस इनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यस, जस्ट डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक्स, जस्ट डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल्स से, क्योंकि वो लोग आप कुछ भी कर लो वो जज करेंगे। बी द सोरशी, बी फियरलेस। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आप ऑनेस्ट कितने हो, आपको पता है कि आप क्यों ये काम को कर रहे हो। सो लोग चाहे आप कुछ करो तो भी बोलेंगे, ना करो तो भी बोलेंगे। इस टाइम पे लोगों के जजमेंट्स को सीरियसली मत लो, और ये लोगों के कमेंट्स मेरे को मत पूछिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मिलता है। पहले बहुत ज़्यादा सोचता था कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड से ये 100 पॉजिटिव कमेंट्स को भी नहीं देखेंगे, एक नेगेटिव कमेंट्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सूर्यशीमा हम सभी को सिखाते हैं कि देखो ये एक लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो घर बैठे हुए हैं, उनको कुछ भी पता नहीं कि आपके स्ट्रगल। तो प्लीज़ डू नॉट लिसन टू दोज हेट थिंग्स, डू नॉट लिसन टू दोज नेगेटिव एनर्जीज। ओके, तो आज मैं आपको बोल रही कि आप अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, प्लीज़ अपना इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, इनसे आपको काफ़ी शांति मिलेगी। लेट्स सी फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में माँ का एनर्जी क्या है। वाओ, काली तंत्रिका। नाउ दिस इज द कार्ड विद द बॉटम ऑफ द डेक इज फलहारिणीमा, लाइक भवतारिणीमा, सॉरी। सो मैसेज है काली तंत्रिका, मतलब तंत्र को समझो। ना काली को कोई कंट्रोल कर सकता है, ना समय को कोई कंट्रोल कर सकता है, ना डिवाइन फेमिनाइन को कोई कंट्रोल कर सकता है, ना ही प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आप दिन को नहीं बोल सकते हो दिन तुम रात में बदल जाओ, रात को नहीं बोल सकते हो रात तुम दिन में बदल जाओ। अगर जो ये काल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सारे चीज़ बैकफायर होता है। इसीलिए ब्लैक मैजिक बोलो, वशीकरण बोलो, तंत्र बोलो, ये सब चीज़ बैकफायर होते हैं। तो माँ क्या बोल रहे हैं, माँ एक सीक्रेट सॉल्यूशंस दे रहे हैं। क्या पवित्र सॉल्यूशंस, कि क्या होगा ये सब सोच के कि कौन क्या किए, क्या कोई क्यों नहीं किए। रैदर आप सोचिए कि आपके मन में शांति मिलेगा किन चीज़ को
सोच के, कौन से वो चीज़ें जिसके बारे में सोच के आपको शांति मिलेंगे। कहीं ना कहीं माँ आपके मन को शांति दिला रहे हैं। डाइकोटमी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, किसको चुनेंगे, क्या काम करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब छोड़िए। रैदर आप मानना सीखिए कि जो भी होगा वो काली माँ ही करवाएंगे। अगर नेगेटिव होता है चीज़ों तो नेगेटिव होने दीजिए, बट पॉजिटिव भी होंगे। सो कहीं ना कहीं माँ आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डिवाइन फेमिनिन प्रिंसिपल को आप छोड़ नहीं सकते हो, आपके नर्चरिंग नेचर को छोड़ नहीं सकते हो, लोगों के बारे में जो आप अच्छे सोचते हो इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, दया आपको करना होगा, कृपा आपको करना होगा, करुणा आपके अंदर रहना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ओ वो मेरे को पैसा नहीं दिए, वो मेरे से ये बात की तो मैं क्यों अच्छा बात करूँ। नो, ऐसा नहीं चलता है दुनिया। खुद के अंदर कंपैशन रखना होगा, खुद को एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे आप लोगों को माफ़ कर सको, जहाँ पे आप लोगों को अपना दिशा दिखा सको, जहाँ पे आप अपने सोल को रेस्पेक्ट दे सको एंड अपने सोल को भी एक अलग तांत्रिक ब्लेसिंग्स दे सको। तंत्रा सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं है, तंत्रा आपके शरीर के अंदर है। सो कहीं ना कहीं काली तंत्र को समझना होगा। जल्दबाजी नहीं हो करना पड़ेगा आपको, ना ही हर्ष जजमेंट लेके आप चल पाओगे। किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करनी है आपको, ना ही आपको परफेक्ट बनना है। सो आपको ये वर्ल्ड का हर एक एक इंग्रेडिएंट्स के अंदर का जो खूबसूरती है उसको एक्सेप्ट करना, और उस इस धरती के अंदर आप भी हो तो आप खुद के अंदर की इनर ब्यूटी को भी एक्सेप्ट करनी है। इसके मतलब ये नहीं कि डिवाइन मैस्कुलाइन बैड है और डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि काली के तंत्रिका आपको सिखाते हैं कि आपको जैसे नर्चरिंग भी बनना है वैसे एक अच्छे लीडर भी बनना है, आपको एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी बनना है, एक बहुत अच्छे टीचर भी बनना है। अगर आप सिर्फ टीचर बनोगे और स्टूडेंट का पेन नहीं समझोगे तो आप शिक्षा को गलत तरीके से समझोगे और आप शिक्षित नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जीवन को सीखना होगा अपने आँखों से नहीं अपने दिल से, समय को समझना होगा अपने दिमाग से नहीं आपके परमात्मा से। ये जो मैसेज है ये क्लियर कट एक रिमाइंडर है कि क्यों आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, क्यों आप अभी भी फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो। अब फ्यूचर को कंट्रोल करके आपका फ़ायदा क्या है, बहुत कोशिश किए तो आप पास में, क्या आप फ्यूचर को कंट्रोल कर पाए, क्या एक भी सिचुएशंस आपके मुताबिक हुआ, क्या कभी कोई चीज़ आप प्रेडिक्ट कर पाए, तो आज आप उस प्रेडिक्शंस के बारे में क्यों सोच रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शन सुनते हैं बट भक्ति के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। यू नो मैं देखा हूँ बहुत सारे लोगों को कि ईश्वर तो है, मैं किसी के बारे में डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ लोगों के मुँह पर ये भी सुना हूँ, अरे भक्ति से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि माँ है बट फिर भी नेगेटिव एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भक्ति, चाहे आप जो भी आप बहुत बड़े आदमी हो या फिर बहुत छोटे आदमी हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली, जो भी हो, जैसे भी हो, अगर आप भक्ति को लेके चलोगे ना तो आपके कोई एडिशनल ये जो फेक शैलो फसाड रिलीजियस फसाड बोलो या फिर बोलो कि तंत्र का जो फसाड है इसको आपको लेके चलना नहीं पड़ेगा। आज भी मेरे को सुनना पड़ता है कि यू नो वो बाबा जी ने ये प्रेडिक्ट किया है, वो बाबा जी ने ये किया है। वेल इट्स देयर धर्म, बट आपको पता है कि आपके अंदर कौन है, आपको पता है कि आप किन से कनेक्टेड हो, आपको पता है कि अगर आप अपने माँ बाप को, अगर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना निभा के किसी दूसरे गुरु को ढूंढने जाओगे नहीं होगा। अगर आप अपने कर्म को ना करते हुए आप मंदिर जाओगे तो क्या होगा। अगर आप अपनी लाइफ को ना समझ के दूसरों के लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा यू नो टिप्पणी दोगे तो क्या कर सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं माँ आपको यही बोल रहे हैं कि ना कोई फ्यूचर को देख पाते हैं, ना ही कोई फ्यूचर को कंट्रोल कर पाएगा, ना ही कोई ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर को चेंज कर सकता है। सो बेटर यही है कि आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन को जगाओ और एट द सेम टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन को भी सेम लेवल पे लेके आओ, आपके जो धर्म है वो आपके सामने आ जाएंगे, आपका पथ भी क्लियर होगा और
उसके बाद आपको दूसरे पर्सन के मोटिव मतलब दूसरे पर्सन के जो ओपिनियन है उसको सुनना नहीं होगा, दूसरे पर्सन से आपको मोटिवेशंस भी सुनना नहीं होगा, आप खुद ही खुद को मोटिवेट कर पाओगे। सो काली तंत्री का मतलब है फ्यूचर जो है वो अननोन है, आप उस अननोन को भी ट्रस्ट कीजिए एंड माँ की भक्ति को भी ट्रस्ट कीजिए एंड अपना इंट्यूशंस की यूज़ करके आगे बढ़िए, माँ आपको एक सेक्रेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो आप ओवरथिंक कर रहे हो, ओवरथिंक मत कीजिए, बाहर की तरफ मत सोचिए, अंदर की तरफ आइए, आप काम को कर सकते हो, आपके अंदर वो हुनर है, फ्री विल के ऊपर फोकस कीजिए। एंड अगर आपके अभी भी लगता है कि आपके हाथ पैर बंधा है, सो याद रखिए काली को कोई बांध नहीं सकते है, आपके अंदर काली है तो आपको भी कोई बांध के नहीं रह सकता है, आपको कोई दबाव के नहीं रह सकता है। सो आप जो डेस्टिनी के लिए बने हो उस डेस्टिनी के करीब माँ आपको लेके जाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, कितना भी कठिन सिचुएशंस क्यों ना है उसको आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाओगे समय के साथ। सो जल्दबाजी भागा दौड़ी मत कीजिए, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पेशेंटली वेट कीजिए, वो सही टाइम आने में वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। वट एवर द थिंग्स यू आर सीकिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग इज सीकिंग यू। जय माँ काली, आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्र का। बाय बाय, टेक केयर, मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।